बस स्वागत है आपका टोटल न्यूज की इस खास पेशकश में। दिल्ली क्या हाल है मैं अब बात वॉल सिटी के एक और वार्ड रामनगर की। रामनगर से बीजेपी की पार्षद हैं लेकिन वार्ड का क्या हाल है इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली छह यानी पुरानी दिल्ली में असली दिल्ली की झलक मिलती है। सब कहते हैं पुराने जमाने की दिल्ली का मजा लेना है तो दिल्ली के इस इलाके में आना जरूरी है। बल्ली मारान का नाम वैसे तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है लेकिन यहाँ सुविधाओं की कमी भी जैसे कोई रिकॉर्ड कायम करने पर उतारू नजर आती है। बल्ली मारान के रामनगर वार्ड संख्या 88 की बात करें तो पुराने बाजारों में से एक सदर बाजार से सटा ये वार्ड है। यहाँ ईदगाह रोड पर पुरानी दिल्ली की सबसे पुरानी परेशानी यानी जाम नजर आती है लेकिन बाकी पुरानी दिल्ली की तरह यहाँ जाम की परेशानी सदाबहार नहीं है। यहाँ तो परेशानी का सबब है गंदगी के ये ढेर जो गली गली में नजर आ जाते हैं। लोगों के मुताबिक एमसीडी के सफाई कर्मचारी सफाई करने नहीं खाना पूर्ति करने आते हैं। ये यहाँ पेशाब पड़ा रहता है, स्कूल के ऊपर फोटो लगनी चाहिए देवी देवताओं की यहाँ पे, जिससे लोग पेशाब ना करें और यहाँ बच्चे लेटरिंग करते हैं। बस कह दे कई बार घर से कहता हूँ झाड़ू वाड़ लगाने जाता सुबह, वो भी नहीं कभी करता, कोई सुना तैयार नहीं है, सब जानते हैं, कोई सब जानते कोई नहीं बोलते। दूसरी बड़ी परेशानी सड़कों की खस्ता हालत और सीवर है। लोग दोनों ही परेशानियों को दूर करने के लिए स्थानीय पार्षद लता सोढ़ी के प्रयासों से बिल्कुल खुश दिखाई नहीं दे रहे। सीवर इतने भरे पड़े रहते हैं बस पूछो मत, फिर भी निकालते हैं जरूर, आ गए जब सिखाते हैं भेजें तो आते हैं। यहाँ कुछ नहीं आते भाई, आते ही नहीं, जब कोई आता है कोई नेता वेता आता है जब ही आते हैं, इससे पहले कोई नहीं आता है। ये शिकायत तो हम सबको करते हैं, हम वहाँ जाते हैं लिखवाने जाते हैं, कोई सुनाई देता ही नहीं। इन सब के उलट स्थानीय बीजेपी पार्षद लता सोढ़ी इलाके में एक नहीं कई ऐतिहासिक काम करने का बड़ा दावा करती हैं। हालांकि सफाई की बदतर हालत के लिए लता फंड ना मिलने का रोना रोती जरूर नजर आती है। इन साल मैं रेगुलर सफाई कराई थी मैंने दोनों टाइम, सुबह भी और शाम भी तब, लेकिन इस बार जो फंड की कमी समझ लो एमसीडी में, तो मेरी सेकेंड टाइम की फाइल नहीं हो पाई, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है। लेकिन सबसे गंभीर जो समस्या मेरे वार्ड में, आप भी गए होंगे, सीवर की और पानी की है। सीवर की वजह से सफाई नहीं दिखती, सीवर की तो इतनी गंभीर समस्या है, आप देखोगे ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लोगों के घरों के अंदर तक, रसोई में, किचन में सीवर का पानी भरा हुआ है, लैटरिंग तक। वहीं विपक्ष फंड की कमी को सफाई की बदतर हालत के लिए जिम्मेदार नहीं मानता। साल 2012 में कांग्रेस की टिकट से रामनगर वार्ड से चुनाव लड़ चुकी निर्मला देवी फंड की कमी को सिर्फ एक बहानेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं मानती। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्या इनके लिए फंड नहीं है, काम तो चलता है, इतना कोई ये सीवी डालने का, ये तो एमएलए का काम है, आपका इतना तो नहीं है, सफाई पे ऐसा कोई नहीं पैसा होता, आप सफाई की व्यवस्था जरूर कर सकती हैं। देख वो तो कभी निकलती नहीं बाहर, कभी उसने देखा ही नहीं जाके एरिए में कि क्या हो रहा है, क्या लोग कर रहे हैं, मेरे से तो आके शिकायत करते हैं सब। मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन हाँ आपकी मदद करूँगी, मैंने कई बार कहा भी उनसे, मैंने कहा देखो इतनी गंदगी आप देख सकते हैं कि जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह बीमारियाँ फैली हुई हैं, कोई बेचारी दवा नहीं ले सकते, कोई इतने उनके पास इतना खर्चा उनके पास नहीं होता कि वो जाके बेचारी दवा ले ले, तो इनसे बोलते हैं हम कि इनकी कुछ मदद करो उनको, मैं तो खैर बोलती हूँ उनसे, भेजती हूँ किसी को भी कि उनसे कहो हमारी मदद करे, कहते बहन जी हम जाते हैं तो वो तो सीधे वो बात ही नहीं करते, कहते हैं बस उनका तो एक ही रोना है हमें फंड नहीं मिल रहा। सफाई कर्मचारियों को वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलने से दिल्ली कई बार कूड़ा कूड़ा हो चुकी है। ऐसे में सफाई की खराब हालत बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में मुसीबत को और ज्यादा बड़ा कर सकती है। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज दिल्ली। इधर एनसीडी चुनाव के ठीक पहले पार्षदों का हिसाब किताब लगाने वाली टोटल न्यूज की इस खास पड़ताल में बात अब ईदगाह रोड वार्ड की करते हैं। टोटल न्यूज ने जब इस वार्ड में पहुंचकर पिछले 5 साल में हुए कामों की पड़ताल की तो क्या कुछ सामने आया इस रिपोर्ट में देखिए। पुरानी दिल्ली के इलाके की सैर इतिहास के पन्नों को पलटने जैसी होती है, लेकिन अगर यहाँ के लोगों से बात करें तो वो बताएंगे
कि नेता चुनाव के बाद उन्हें भी किसी पुरानी चीज की तरह भुला दिया करते हैं। ऐसा क्यों है ये जानने हम पहुंचे पुरानी दिल्ली की बल्ली मारान विधानसभा के ईदगाह रोड वार्ड नंबर 85 में। परिसीमन के बाद इस वार्ड की सीमाएं अब बदल चुकी हैं, लेकिन जो नहीं बदला वो है इस वार्ड की तस्वीर। कंप्लेंट 8 घंटे के बाद कंप्लेंट अटेंड होती है भाई साहब, 8-8 घंटे, कभी तो 24-24 घंटे सीवर बहता रहता है बाहर का मेन रोड, और इतने पानी में निकल के जाते हैं, हमें पता है कैसे ऑफिस जाते हैं फिर। जी पेंसिल नहीं आ रही मारी, ये 3 दिवाली निकल गई, जब से नहीं आ रही, कभी 1,000 आता है, कभी तो 2,000 आते हैं। साफ सफाई वाले एक झाड़ू मार के जाएगा 3 दिन बाद, संडे को भी नहीं आता कोई, कोई झाड़ू मार के जाएगा तो एक उठा के ले जाएगा, वो भी 2 घंटे बाद। आप यहाँ का हाल देखोगे तो बहुत ज़्यादा खराब है। ईदगाह रोड मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटी है, एक वो कमर्शियल इलाका जिसमें व्यापारिक गतिविधियां होती हैं और दूसरा रिहायशी। दोनों इलाकों की यूं तो अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन व्यापारिक और रिहायशी इलाकों की एक समस्या कॉमन है, ये बड़ी परेशानी है यहां फैली गंदगी। ईदगाह रोड वार्ड के दोनों हिस्सों में गंदगी से आलम बुरा है, वार्ड में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आते हैं। लोगों के मुताबिक इलाके से सफाई कर्मचारी ज्यादातर वक्त नदारद ही रहते हैं। जाम तो बहुत बड़ी परेशानी, ये जाम जो है लगा करके पुल मिठाई से और रेलवे स्टेशन तक पूरा जाम रहता है, जिससे हर एक आदमी सफर होता है, हर एक आदमी को दिक्कत आती है और जेब कटती है, ट्रैफिक उल्टा आ जाता है। बैंकर तो ऐसा है जी, घंटे तो देखो जी, 1 घंटा भी लग जाता है कई दफ़े निकलने में, 1.5 घंटा भी, बाकी 20-25 मिनट तो लगते हैं, जो कि 5 मिनट का रास्ता है, 25 मिनट तो कम से कम लगते हैं। पार्षदों के पास साफ सफाई सबसे अहम काम होता है, और जब इस अहम काम में पार्षद फिसड्डी नजर आए तो विरोधियों को तो बोलने का मौका मिलना लाजमी है। दावे तो पूरे झूठे ही सारे, क्योंकि 5 साल हो गए इनको निगम पार्षद बने हुए, हमने क्षेत्र में एक बार भी इनको नहीं देखा। आप जाके आप देख सकते हैं क्षेत्र के अंदर कि कैसी गंदगी हो रही है, स्ट्रीट लाइट जल नहीं रही है, और आप यहाँ बोल रहे हो महिलाओं के लिए तो यहाँ एक भी ट्रेनिंग क्या कुछ ही नहीं खोला गया। महिला दूसरे वार्ड में जा जाकर ट्रेनिंग सेंटर में काम करती है, आंगनबाड़ी में काम करती है, हमारे वार्ड में ना कोई आंगनबाड़ी है ना कोई सुचारू रूप से कोई काम चल रहा है, बिल्कुल गंदगी हो रही है, स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है, ना कोई हमारे निगम के लिए जो अंतर्गत जो काम आ रहा है सब ठप पड़ा ही बिल्कुल भी। और आप तो आपको जैसे पता ही है, याद है कि पुरानी दिल्ली का क्षेत्र पूरा ट्रैफिक वाला है, कोई पार्किंग सुविधा नहीं है, कमर्शियल लोगों के लिए परेशानी आ रही है, व्यापारी क्षेत्र यहाँ आता है बहुत दिक्कतें आ रही है। हमारे ये पहले बोला था हमने पार्षद जी को, यहाँ रेड लाइट बनाई जाए सरदानी चौक पर, वो सुनवाई बिल्कुल नहीं है, वो मिलती ही नहीं है क्षेत्र में। इस वार्ड में पड़ने वाले लाहौरी गेट का बाजार हर रोज जाम की आफत से 2-4 होता रहता है, जाम भी कुछ ऐसा वैसा नहीं, भयंकर रूप इख्तियार करता जाम, जिसने यहाँ खरीदारी करने आने वाले खरीदारों को घंटों जाम में फंसने को मजबूर किया हुआ है। हालांकि इस हकीकत के उलट यहाँ की कांग्रेस पार्षद सायमा वार्ड में विकास के बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन जब वार्ड में सफाई की खस्ता हालत पर जवाब मांगा गया तो पार्षद साहिबा ने गंदगी के लिए वार्ड की जनता को ही सबसे बड़ा कसूरवार ठहरा दिया। इसके लिए मैं अपनी हर वार्ड कमेटी में बोलती हूँ कि इतनी प्रॉब्लम होती है कि पैदल चलने वालों की जगह नहीं होती तो मोटरसाइकिल या रिक्शा क्या निकल पाएंगे, स्कूल के बच्चे आते हुए डेढ़ दो दो घंटे वो ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, तो मुझे जवाब ये मिलता है मैडम हमने ट्रैफिक पुलिस वालों से भी कंप्लेन की है, दिल्ली पुलिस को भी कंप्लेन की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। ई रिक्शाओं की इतनी प्रॉब्लम है, इतना मैंने बोला कि ये दो दो तीन तीन लाइन पार्किंग से अलग दो दो तीन तीन लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, इनको हमेशा हटाने की बात होती है, कहते मैडम हटा दिया लेकिन फिर वो वहीं आ जाते हैं। बहरहाल फिर से जनता के पास अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करने का मौका है, 5 साल बाद होने वाले चुनाव में वोट के जरिए जनता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर हिसाब मांग सकती है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। इधर बहरहाल वार्ड में कितना काम हुआ और कितना नहीं, इसका आखिरी फैसला अब जनता के हाथ में है। यहाँ रहने वाले लोग जब वोट देने पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे तब साफ होगा कि उन्हें पार्षद का 5 साल का काम कितना पसंद आया है। दिल्ली की हर वार्ड का हाल इस खास कार्यक्रम में हर रोज इसी समय आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।